हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन जो है नाभिकीय बलों के लिए युकावा के मेसॉन सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन और मेसॉन के द्रव्यमान का सन्निकट आकलन, यानी मेसॉन जो पार्टिकल है इसके बारे में युकावा ने क्या सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग कितना होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो बात करें नाभिकीय बलों के लिए युकावा का मेसॉन सिद्धांत क्या है। तो न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियन मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला जो प्रबल आकर्षण अवैद्युत और अगुरुत्वीय लघु परासी बलों के लिए उत्तरदायी स्रोत बहुत समय तक रहस्य बना रहा, ठीक है, इनके बीच का जो स्रोत था कि क्यों इनके बीच में आकर्षण बल है और वो कैसा है, अवैद्युत है, अगुरुत्वीय है, ये बहुत दिनों तक रहस्य बना रहा। इसके बाद सन 1932 में हाइजेनबर्ग ने यह सुझाया कि नाभिकीय बल विनिमय बल है जो न्यूक्लियनों के बीच इलेक्ट्रॉनों अथवा पॉजिट्रॉन के विनिमय उत्पन्न से होता है। विनिमय का मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। परंतु बीटा क्षय संबंधी आंकड़ों पर आधारित गणना से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के विनिमय से उत्पन्न बल नाभिकीय स्थायित्व के लिए वास्तव में आवश्यक बलों की तुलना में 10^14 गुना छील है। सन 1935 में युकावा ने एक नए कण की उपस्थिति की भविष्यवाणी की जिसे आजकल पाई मेसॉन कहते हैं, ठीक है। युकावा ने पाई मेसॉन की खोज की थी, ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, तथा जिसका विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक परंतु न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कम होता है। ये मेसॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है लेकिन जो न्यूक्लियॉन्स हैं यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं उनके द्रव्यमान से कम होता है। उसने नाभिकीय बलों के लिए इन पाई मेसॉनों पर आधारित एक सिद्धांत के अनुसार कहा कि सभी न्यूक्लियॉन एक जैसी करोड़ों के रूप में होते हैं जो एक अथवा अधिक पाई मेसॉनों के मेक से घिरी रहती हैं। मेसॉन उदासीन भी हो सकते हैं अथवा उन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धन अथवा ऋण आवेश भी हो सकता है। इन्हें क्रमशः पाई जीरो, पाई प्लस तथा पाई मेसॉन कहते हैं। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच का अंतर केवल उनके मेसॉन वेगों के संगठन में अंतर होने के कारण होता है। मेसॉनों के निकटस्थ न्यूक्लियनों के बीच निरंतर विनिमय होता रहता है। एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच आवेशित मेसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे एस्टिमेशन ऑफ पाई मेसॉन मासेस, यानी अब हम पाई मेसॉन का जो द्रव्यमान है उसको निकालेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना पाई मेसॉन का द्रव्यमान एम पाई है और इसकी तुल्य एनर्जी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से इक्वल एम सी स्क्वायर होता है। तो इसका द्रव्यमान एम पाई है इंटू सी स्क्वायर, जहाँ न्यूक्लियस के बीच मेसॉन वेलोसिटी जो है वो बी या सी कुछ भी मान सकते हैं से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तब हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लगभग इक्वल होता है किसके, एच अपॉन टू पाई के। डेल्टा ई की वैल्यू एम पाई इंटू सी स्क्वायर और टी की वैल्यू आर अपॉन सी, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चार, इसे लगभग इक्वल होता है एच अपॉन टू पाई के। यहाँ से एम पाई निकालें, सी स्क्वायर को सॉल्व करें थोड़ा सा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एच अपॉन टू पाई वन अपॉन आर सी। वैल्यू पुट कर दें, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10^-34, टू पाई की वैल्यू 3.14, आर 1.7 इंटू 10^-15, इसकी कक्षा की त्रिज्या होती है,
सी स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10^8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई मेसन का जो मास आता है वो लगभग इक्वल आता है 2.1 × 10^-28 किलोग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने जाना कि युकावा की मेसन परिकल्पना क्या थी, मेसन के बारे में युकावा ने क्या बताया और इस मेसन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, इसके बारे में हमने आज के वीडियो में जाना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।